हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम AIA PGT 2017 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हमारी AIA PGT की सीरीज़ कंप्लीट ही होने वाली है, तो जैसे कि हमने शुरू किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, हमारे लगभग 70 से 80% क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुके हैं। जो हमारा टारगेट था कि हमको 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 70% 80% हमारा टारगेट पूरा हो गया है। तो इसके सारे पेपर इसी तरीके से मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। सारे के सारे पेपर आपको PG आयुर्वेद प्रयोजनम के ऐप पर, जो कि आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप कोर्सेज ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारा अवेलेबल होगा। चलिए शुरू करते हैं। 2017 का पेपर है, मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन वाला तो मुझे पेपर नहीं मिला है ना, तो डायरेक्ट वन लाइन फैक्ट जैसा ही मिला हुआ है, इसी को सॉल्व करेंगे। लवड़ भास्कर चूड़ में कुल कितने लवड़ होते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने लवड़ हैं, तो 4 रबड़ होते हैं। कौन कौन से रबड़ होते हैं 4, तो आपने पढ़ा है ना, सैधव, सौवर्चल, सामुद्र, विड, ये 4 रबड़ यहाँ पर होते हैं। कौन सा रबड़ नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो औद्भिद रबड़ इसमें नहीं डला है, औद्भिद रबड़ इसमें नहीं डला होता, 4 रबड़ होते। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें भावना किसकी दी जाती है, तो नींबू सरस की, नींबू सरस से इसकी भावना दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका रोग अधिकार क्या है, तो रोग अधिकार इसका होता है अग्नि मान। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे ही जाते, सारा हमने देख लिया। रक्त का स्वरूप माना गया है अनुष्णशीत, और रक्त का स्वरूप और क्या क्या बोला है, तो सभी आचार्यों का मिक्सअप मैं बता रही हूँ, क्या क्या बोला है, इंद्र गोप के समान होता है, असंगत होता है, असंगत का मीनिंग होता है ना ज्यादा गाढ़ा ना पतला, और गुंजा फल के जैसा होता है, गुंजा फल के जैसा आर्तो भी होता है और रक्त को भी बोला हुआ है, तो 3 लक्षण भी आपने और याद कर लिए। सुरिष्ट रोमा किस व्याधि का विशिष्ट लक्षण है, तो सुरिष्ट रोमा सुश्रुत जी ने उत्तर तंत्र में कफज मूत्र कृच में बताया हुआ है, सुरिष्ट रोमा। इसी से रिलेटेड 2 फैक्ट और देख लेते हैं। आचार्य बागभट्ट और आचार्य सुश्रुत ने रिष्ट रोमा टर्म दिया है, रिष्ट रोमा कहाँ बोला है, तो याद कर लो वासे बागभट्ट, वासे वातज अतिसार में दिया है, और सुश्रुत का दूसरा हो जाएगा कफज अतिसार, क्योंकि हमको भूलता क्या है कि सुश्रुत ने वातज में दिया है कि कफ सुश्रुत ने कफज में दिया है, तो बागभट्ट ने वातज में, सुश्रुत ने कहाँ बताया है, कफज में। प्लीहा वृद्धि में किस कल्प का प्रयोग करते हैं, तो प्लीहा वृद्धि में कल्याणक घृत का प्रयोग करते हैं, और कल्याणक महाकल्याणक घृत का रोगाधिकार और कहाँ होता है, तो कल्याणक घृत और महाकल्याणक का जो रोगाधिकार है, चरक जी ने कहाँ बताया है, उन्माद में बताया है। और देख लो पंचगव्य महापंचगव्य, पंचगव्य और महापंचगव्य का रोगाधिकार क्या है, ये अपस्मार है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। एक और चीज देख लें, प्लीहोदर में कौन सा घृत यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, प्लीहोदर में षटपल घृत का प्रयोग किया जाता है, और पूछा जाता है षटपल घृत में कौन सा क्षार डला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यवक्षार षटपल घृत में डला हुआ है। तो एक क्वेश्चन में हमने 3 से 4 क्वेश्चन तैयार कर लिए। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में चारों चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं सारी चीज़ों को एक पेपर में कवर करते हैं, तो अगले पेपर में हो सकता है उसका दूसरा वाला भेद पूछ ले, जैसे यहाँ वातज का पूछा, अगले में कफज का पूछ ले, तो वहाँ पर भी हम वही सारी चीज़ें रिपीट करेंगे जो यहाँ पर करते हैं, इससे आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से स्ट्रांग होने वाली है। चलिए, बागभट्ट के मतानुसार शुष्क अक्षी पाक में कौन से दोष की प्रधानता रहती है, तो बागभट्ट जी ने वात पित्त की प्रधानता बताई है, आचार्य सुश्रुत ने किसकी प्रधानता बताई है, वात की प्रधानता बताई ही है। बेलेनाइट्स एक्जिप्टिका किस औषध का लैटिन नेम है, तो ये इंगुदी का लैटिन नेम है। अभुक्ते चा प्रणीतस स्नेहवस्थि व्यापद होता है, तो स्नेहवस्थि के कितने व्यापद होते हैं, यहाँ पे चरक का देखेंगे, यहाँ सुश्रुत का देखेंगे, तो आचार्य चरक ने स्नेहवस्थि व्यापद कितने बोले, 6, और 6 का डबल हो जाता है 12, निरु के व्यापद कितने हैं इनके 12, सुश्रुत के हैं स्नेह व्यापद 5 और निरु व्यापद हो जाएंगे 9। अब अभुक्ते चा प्रणीत से हमको समझ के ऐसा लग रहा है कि खाना बगैर खाए खाली पेट दिया जाता है, तो बहुत से बच्चे इसका आंसर क्या लगा के आए थे, अभुक्ते चा प्रणीत से निरुवस्थि देने का सामान्य काल है, ये गलत चीज़ है,
अभुक्ते च प्रणीत से आप श्लोक पढ़ोगे, इसने वस्ति के छह जो व्यापद होते हैं वातात पित्तात कफात अन्नई पुरीशई आवृतस्य च अभुक्ते च प्रणीत से स्नेह वस्ति षडापद। तो एक दो तीन चार पाँच छः वात पित्त कफ तीन ही हो गया, अन्न का और पुरीश का और अभुक्त, इस तरीके से स्नेह वस्ति के छह व्यापद होते हैं। और एक और चीज याद कर लो, जो स्नेह वस्ती दी जाती है वो कब दी जाती है, आशा सुश्रुत ने स्पेशली बोला है आद्र पाणिनम दी जाती है। आद्र पाणिनम मतलब होता है कि हमने खाना खाया है, हाथ धुला और हाथ ना सूखे गीले रहें, उस टाइम पे हमको तुरंत स्नेह वस्ती देना चाहिए। और निरुवस्ती का प्रयोग क्या होता है, निरुवस्ती दी जाती है जीर्णान, मतलब खाना हमारा पच चुका है तब देंगे। ठीक है, चारों चीजें क्लियर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है भाव प्रकाश के मतानुसार मेदा महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य क्या है, शतावरी। तो चारों प्रतिनिधि द्रव्य याद कर लें, एक कोड बनाएंगे जीवी के मेष में रीवा का घोड़ा, जीवी के मेष में रीवा का घोड़ा। तो जीवी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा जीवक ऋषभक, जीवक ऋषभक। वी से हो जाएगा विदारी कंद, विदारी कंद। ठीक है, जीवी के मेष में मे से हो जाएगा मेदा महामेदा, सा से हो जाएगा शतावरी, री से क्या हो जाएगा, मे से कुछ भी नहीं, यहां पे री से क्या हो जाएगा रिद्धि और वृद्धि, रिद्धि वृद्धि में वा से होगा वराही कंद, वराही कंद और विदारी कंद अलग चीज है। का से हो जाएगा काकोली, शीर काकोली, घोड़ा से हो जाएगा अश्व, अश्व मतलब हो जाएगा अश्वगंधा। हमसे क्या पूछा, मेधा महामेधा, तो हमारा कोट क्या रहेगा, मेष मतलब शतावरी, इसका आंसर सही होगा। एक साथ हमने चार पॉइंट फिर याद कर लिए। दुर्विरेच्य पुरुष में विरेचन से पूर्व कौन सा कर्म करवाया जाता है, अभी देखो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, हो सकता है ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन थे उसमें निरुवस्ती ना दिया हो तो वहां पर आपका आंसर स्वेदन चला जाता है, जबकि दुर्विरेच्य में या क्रूर कोष्ठी में हम विरेचन कराते हैं तो स्वेदन तो करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर अटेम्प्ट किया गया है। दुर्विरेच्य में अगर किसी व्यक्ति का क्रूर कोष्ठ है, सुश्रुत संहिता चरक संहिता सभी में दिया है, व्यक्ति का कोष्ठ क्रूर है या व्यक्ति में वात की प्रधानता है या व्यक्ति कैसा है, दुर्विरेच्य है, तीनों कंडीशन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। क्रूर कोष्ठ में वायु की प्रधानता, वायु की प्रधानता होगी तो व्यक्ति में विरेचन आसानी से नहीं होता है, इस कारण से हमको शुरुआती में इसमें वायु को शांत करने के उपाय करना चाहिए। तो क्या करोगे आप, निरुवस्ती देते हो। कभी एकाध एग्जाम में और पूछा गया था कि क्रूर कोष्ठी में विरेचन कराने से पहले क्या दोगे, तो निरुवस्ती का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही दुर्विरेच्य में भी किया जाता है और स्वेदन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पतंजलि के अनुसार क्रिया योग क्या है, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्रिया योग कहलाता है, ये इसके अंतर्गत आता है। तो आप जो पढ़ते हो ना यम नियम, यम कितने हैं, पांच हैं, नियम कितने होते हैं, नियम भी पांच होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये पांच हमारे नियम होते हैं, इनमें लास्ट के जो तीन होते हैं उसको हम क्रिया योग के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उपकुल्या किसका पर्याय है, तो उपकुल्या पिपली का पर्याय होता है। सुश्रुत के अनुसार असाध्य भगंदर माना गया है क्षतज भगंदर, दिए ऑप्शन में छतज भगंदर ही होगा इसलिए छतज भगंदर आंसर लगा है, बाकी आचार्य सुश्रुत ने पांच प्रकार के भगंदर बताए हैं जिनमें से लास्ट के दो कौन कौन सा, एक शंभु कावर्त और एक उन्मार्गड़ी मतलब छतज, शंभु कावर्त उन्मार्गड़ी या छतज उसी को बोलते हैं, ये दो भगंदर असाध्य होते हैं, बाकी जो तीन भगंदर है वातज पित्तज कफज, वातज पित्तज कफज तो नहीं मतलब शतपोनक उष्ट्रग्री परिस्रावी, तीन कृच्छ साध होते हैं। एक बार लिख के समझा दूं, आचार्य सुश्रुत ने भगंदर पांच बोले हैं, बागभट्ट के भगंदर आठ होते हैं, कौन कौन से, शतपोनक उष्ट्रग्रीव परिस्रावी परिस्रावी शंभु कावर्त
और उन्मार्गणी, उन्मार्गी मतलब इसी को हम क्षतज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोषों की प्रधानता वात पित्त कफ सन्निपात और ये आगंतुक होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि लास्ट के जो हैं ये कैसे होते हैं, असाध होते हैं, और शुरुआत के जो तीन हैं वो कैसे होते हैं, कृच्छसाध होते हैं। ठीक है, अब बाघभट के जो आठ हैं, पांच के अलावा बाघभट के तीन और आप याद कर लो, क्योंकि वहां पर दोष पूछा जाता है। हमने कोड बनाया था पराया अर्श, मतलब पा से हो जाएगा परिषेपी, रा से हो जाएगा रिजु, और अर्श से हो जाएगा अर्शो भगंदर। यहाँ पर दोष क्या होता है, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ दोष होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं आचार्य। सुश्रुत के अनुसार नस्य कर्म के पश्चात किस रूप में अति वृद्धि हो जाती है, तो एक क्षयज शिरोरोग होता है, जिसमें हम कोई भी पंचकर्मा करवाते हैं तो उसमें वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि पंचकर्मा जो हम जनरली कराते हैं वहां पे शुरुआत में क्या होता है, दोष निकलने के कारण थोड़ी देर के लिए क्षय की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार प्राण व श्रोतस का मूल क्या है, तो हृदय और महाश्रोतस। सुश्रुत ने प्राण व श्रोतस का मूल क्या बोला है, हृदय और रस वाहनी धमनी, ये सुश्रुत का है। चरक के अनुसार हलीमक में दोष की प्रधानता कौन सी है, तो वात पित्त दोष प्रधान होता है। तो याद कराया था मैंने क्लास में वीपी, वात पित्त को हमेशा हम वीपी ब्लड प्रेशर लिखकर याद करते। अगर जो इंसान हल चलाता है खेत में उसका वीपी बढ़ जाता है, और बल उत्साह क्षयस तंद्रा भी यहाँ पर श्लोक में आता है, इसलिए मैंने आपको कोड बनवाया था कि बल उत्साह सभी चीजों का क्षय हो जाता है, तंद्रा आती है जब आप हल चलाते हो और आपका बीपी बढ़ जाता है। पूरा एक कोर्स से आपको सारी चीजें याद हो रही थी। रियल गार क्या है, मनाशिला। क्लास में सर ने आपको ये याद कराया होगा, रसा सर पढ़ाते हैं कि हमारा जो मन होता है वो रेगुलर काम करता है, तो रेगुलर से रियल गार याद किया था। इसका फॉर्मूला क्या था, As2S2, और हरताल का क्या था, हरताल का As2S3। और एक और कोड बनवाया होगा आपको कि जिसमें दो है ना लास्ट में उसके भेद कितने हैं, तीन है, और जिसमें तीन है ना लास्ट में उसके भेद कितने हैं, दो है, ऐसे करके एक और चीज पढ़ाया था। आज सुश्रुत के अनुसार दृष्टि मंडल का परिमाण कितना होता है, तो कृष्ण मंडल का 1/7 भाग होता है। थोड़ा सा और समझ लें, नेत्र आयाम का 1/3 भाग हमारा, जो पूरा नेत्र आयाम है इसका 1/3 पार्ट हमारा कृष्ण मंडल होता है। क्या होता है, कृष्ण मंडल। और कृष्ण मंडल का आप 1/7 भाग कर दो ना, तो ये क्या होगा, हमारे अंदर का जो दृष्टि होता है ना, प्यूपिल, उसको बोलते हैं दृष्टि मंडल। ये तो कहाँ दिया है, उत्तर तंत्र में दिया है, लेकिन आप जब सूत्र स्थान में पढ़ते हो वहां पर क्या लिखा है कि कृष्ण मंडल का 1/9 भाग दृष्टि मंडल कहलाता है। लेकिन आपको प्रायोरिटी कहाँ से देना है, उत्तर तंत्र से देना है, क्योंकि शालाक्य में उत्तर तंत्र की चलेगी। क्लियर, आगे क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वात्मा परिणाम पक्ष किस न्याय का अन्य नाम है, तो शीर दधि न्याय का। तो देखो, शीर जो होता है पूरे का पूरा दही में परिवर्तित हो जाता है, मतलब सर्व आत्म परिणित हो जाता है, तो शीर दधि न्याय। किसने बताया है, किसने प्रतिपादित किया है, तो दृढ़बल ने किया है। कोड बनाए थे कि शीर पीने से दृढ़ हो जाते हैं। सर्वापचार सहाय की अग्नि के लिए कहा गया था 2019 का 20 का जो अपन ने सॉल्व किया है उसमें भी पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेशन में आते हैं। थोड़े बहुत 10 से 12 क्वेश्चन जो है थोड़े से नए बनाता है एग्जाम में। तो तीक्ष्ण अग्नि जो है पित्त के कारण होती, सभी अपचार को सहन करती है। मंदाग्नि जो होती है विदाह उत्पन्न करती है, विदाह खाना को नहीं पचाती है, विदाह उत्पन्न कर देती है। समाग्नि जो होती है वो क्या करती है, पथ्य से सम रहती है और अपथ्य से क्या हो जाती है, कुपित हो जाती है। विषमाग्नि क्या करती है, विषमाग्नि जो होगी वो कभी खाना को पचाती है, कभी पचन, कभी अपचन, ये सारे पॉइंट आपको लिखना है। मंदाग्नि कफ के कारण, समाग्नि त्रिदोष समदोष के कारण, विषमाग्नि जो होती है वो वायु के कारण होती है। दोषग्न मुखलेख का प्रमाण कितना होना चाहिए, शारंगधर जी ने बड़ा अच्छे से उल्लेख किया हुआ है, तो जो दोषग्न होता है वो 1/4 अंगुल उसका लेख होना चाहिए। विषग्न जो है 1/3 और वर्णिकर है
वो कितना होता है 1/2। तो पारे के 80 पेजेस कंपाइलेशन में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको मैंने कोरिलेट करके आपको याद कराया हुआ है। तो दोषर हमने याद किया ना, दोष कितने होते हैं 3, वात पित्त कफ। किसी किसी ने चौथा दोष भी तो माना है ना, रक्त को भी माना है किसी किसी ने। तो याद कर लो कोड है कि दोष लगभग 4 जबकि 3 ही होते हैं, है ना, तो 1/4। विषैले सांप कितने होते हैं, 3 प्रकार के स्पेशली हैं, बाकी 2 ऐसे ही होते हैं, कौन से, दर्विकर मंडली राजीमान। 3 स्पेशल सर्प हैं जो विषैले होते हैं, तो विषग्न में 1/3। ये कोड है याद करने का। और वर्णकर में कितना है 1/2, तो वर्ण के लिए गोरे होने के लिए हम 50% पैसा खर्च करते हो ना, आधा पैसा खर्च कर देते हो, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार बीज चतुष्ट क्या है, तो पुरुष व्याधि भैषज क्रिया का सूत्र स्थान फर्स्ट का है, तो पुरुष को हुई व्याधि उसके लिए हमने औषधि से क्रिया की, पुरुष के लिए व्याधि उसके लिए औषधि से क्रिया की, इसको बीज चतुष्ट बोला जाता है। चतुर्विध भूतग्राम किसको बोलते हैं, चतुर्विध भूत ग्राम। तो देखो भूत कौन बनता है मरने के बाद, इंसान बनता है ना, इंसान किस चीज में आता है, जरायु में आता है ना, जरायुज में आता है। तो जरायु से शुरू कर दो, कौन कौन सा है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्भिज, औद्भिज, ठीक है। एक और चीज आता है, चतुर्विध भूतग्राम हो गया, और चतुर्विध वर्ग भी आता है, इसी चैप्टर में बताया है, फर्स्ट चैप्टर में। चतुर्विध वर्ग में क्या है, पार्थिव, कालकृत, औषधि वगैरह। तो स्थावर जांगम, स्थावर जांगम, पार्थिव और कालकृत औषधि, ये चतुर्विध वर्ग में आता है। तो एक साथ हमने 3 वर्ग याद कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पीड़िते मुद्रा गंध वर्ण रसोद्भवा किस कल्पना की सिद्धि का विशिष्ट लक्षण है। तो अबलेह में ऐसा मिलता है, और अबलेह की बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं, भस्म की परीक्षा है, वारितर होना जो है वो सब पढ़ा हुआ है। इसने व्यापत की चिकित्सा किस अरिष्ट का प्रयोग करते हैं, तो तक्रारिष्ट का प्रयोग करते हैं। और तक्रारिष्ट कहाँ कहाँ करते हैं, पिच्छिल स्तन्य दुष्टि, पिच्छिल स्तन्य दुष्टि में किया जाता है, मेदो रोग में किया जाता है, स्थौल्य में किया जाता है, ठीक। और इसने व्यापक में तो किया ही जा रहा है, हमने लिख ही लिया, और लिख लो अर्श और ग्रहणी में भी किया जाता है ना, अर्श और ग्रहणी सभी में तक्रारिष्ट का प्रयोग किया जाता है। गिल्बर्ट सिंड्रोम इज रिलेटेड विथ बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन। तो गिल्बर्ट किस से रिलेटेड है, जो बिलीरुबिन होता है उसका मेटाबॉलिज्म अगर डिसफंक्शन हो जाता है उसका तब होता है। और ग्लिबेंक्लेमाइड इज अ कौन सी ड्रग होती है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है। अब मॉडल के क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको यहीं से याद करना पड़ेगा। बहुअर्ष पीड़ित व्यक्ति प्रथमतः किस अर्ष की चिकित्सा की जाना चाहिए, तो हमने कोड पढ़ा था कि दक्षिण वाले पीछे से आगे आए, पीछे से आगे आए, दक्षिण से पहले दक्षिण का, वाले से वाम का, पीछे से पृष्ठ का, आगे से आगे का। सबसे पहले हमको दक्षिण का, फिर वाम का, फिर पृष्ठ प्रदेश का, फिर आगे का, इस क्रम में करना चाहिए। और हर एक ऑपरेशन के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा, तो 7 दिन मिनिमम हमको गैप करना चाहिए। सिरोत्पात कहाँ की बीमारी है, तो सिरोत्पात जो होती है सर्वगत नेत्र रोग है। यहाँ पर पर्टिकुलर रटना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो 76 नेत्र रोग है उनको रटने का, याद करने का एक ट्रिक होती है, जो मैंने शायद, हाँ, YouTube पर 3 वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें पूरे 76 नेत्रों के डिवीजन कौन सा, वाताजय, पित्ताजय, कफाजय, कैसे उनको याद करना, ये सारा बताया हुआ है, चाहे तो आप वहां से देख सकते हो। सर्दी में मदन फल का प्रयोग, ऑलरेडी उल्टियां हो रही हैं और आप उल्टी कारक मतलब वमन कारक मदन फल का और प्रयोग कर लो, तो कैसा लग रहा है, ये हमको बहुत विपरीत अर्थ जैसा लग रहा है, हो रही है उल्टी और करा दो तो विपरीत अर्थकारी। और कौन सा विपरीत अर्थकारी होता है, व्याधि विपरीत अर्थकारी होता है, ये भी YouTube पर पढ़ाया हुआ है मैंने, 18 प्रकार के उपशय, टिप ऑफ टंग आपको याद हो जाएंगे, तो वहां से आप 18 के 18 याद कर सकते हैं, ठीक है। सुश्रुत की संहिता पर चक्रपाणी की टीका कौन सी है, भानुमती है। चक्रपाणी का काल क्या होता है, 11वीं सदी होता है, तो ये भी याद कराया है कि भानु मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य चक्कर लगाता है, तो सूर्य
चक्कर लगाता है से चक्रपाणी याद हो जाएगा। और चरक संहिता पर इन्होंने कौन सी लिखी, चक्रपाणी ने आयुर्वेद दीपिका लिखी है। जो हम टीका पढ़ते हैं ना, आयुर्वेद दीपिका ही पढ़ते हैं चक्रपाणी चरक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ भट्ट के अनुसार जीवावत रोग कितने होते हैं, 6 होते हैं। सुश्रुत के कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन सा होता है, कौन सा नहीं माना है, तो वातज पित्तज कफज कंटक, वातज कंटक पित्तज कंटक कफज कंटक अलास और उपजीविका, उपजीविका सुश्रुत के हैं। बाघ भट्ट ने ये 5 बोला है प्लस अधिजीविका भी बता दिया है, अधिजीविका को भी इंक्लूड किया है। एक और फैक्ट आपको याद करना है, जो अधिजीविका है बाघ भट्ट ने इसको जीवागत ने बोला है, उपजीविका अधिजीविका दोनों को, लेकिन जो अधिजीविका है इसको सुश्रुत ने कहाँ बोला है, कंठगत व्याधि में बोला है। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन इस पेपर में हमने सॉल्व कर लिए इस वीडियो में। अगले वीडियो में 30 एंड 35 करके 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।